क्या आप जानते हैं कि इस वक्त अरिजीत सिंह और अनुष्का शर्मा की कौन सी वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है, या फिर मिशन रानीगंज और फुकरे 3 ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है, या फिर क्या आपको खबर है कि दीपिका पादुकोण का ऐसा कौन सा पोस्टर किस फिल्म से रिलीज हुआ है जिसको देखने के बाद लोग हैरान हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं आज की 5 बड़ी बॉलीवुड की खबरें हमारे डेली शो बॉलीवुड बुलेटिन के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं वंशिका। आज की 5 बड़ी बॉलीवुड की खबरें कुछ इस प्रकार है। इंडिया वर्सेस पाक मैच देखने पहुंची उर्वशी का स्टेडियम में गुम हुआ 24 कैरेट गोल्ड आईफोन। बॉलीवुड की एक खूबसूरत एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला बीती रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने पहुंची थी, जहां उनका गोल्ड का आईफोन चोरी हो गया। इसकी खबर उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा 24 कैरेट रियल गोल्ड का आईफोन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खो गया है, अगर किसी को मिलता है तो प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट करें। नवरात्रि के पहले दिन दिखा दीपिका पादुकोण का चंडाली का रूप। रिलीज हुआ सिंघम अगेन का पोस्टर। आज 15 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ खुशियों का माहौल है, लोग माँ दुर्गा की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। वहीं इस मौके पर बॉलीवुड की लेडी स्टार दीपिका पादुकोण ने भी अपने फैंस को एक खास तोहफा दिया है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन से अपना कैरेक्टर रिवील किया है, जिसका नाम शक्ति शेट्टी है। दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 फोटोज शेयर किए हैं, जिसमें पुलिस की वर्दी पहने हुए एक्ट्रेस का चंडाली का रूप देखने को मिल रहा है। दीपिका गुंडे के ऊपर बैठकर उसके बाल को एक हाथ से खींच रही हैं और दूसरे हाथ से उसके माथे पर बंदूक ताने हुए नजर आ रही हैं। वर्ल्ड कप मैच के दौरान अनुष्का ने अरिजीत सिंह के लिए किया पोज, वायरल हुआ वीडियो। कल 14 अक्टूबर को पूरे देश में जश्न का माहौल रहा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के 12वें मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत हासिल की। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जहां टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए फिल्म जगत से कई बड़ी हस्तियां पहुंची थी। वहीं अपने पति विराट कोहली को चीयर करने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी इस मैच का हिस्सा रही। अरिजीत सिंह भी प्री मैच के लिए अपना लाइव परफॉर्म करने आए थे। वहां इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जहां अनुष्का और अरिजीत इशारों में एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीकेंड पर जवान और फुकरे 3 को पीछे छोड़ आगे निकली मिशन रानीगंज। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती नजर आ रही है। फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब फिल्म को रिलीज हुए 9 दिन हो चुके हैं। हालांकि मिशन रानीगंज अब तक कोई खास कलेक्शन नहीं कर पा रही थी, लेकिन अपने दूसरे शनिवार को फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी देखी गई। मिशन रानीगंज ने अपनी रिलीज के 8वें दिन 4.75 करोड़ का कारोबार किया था, जो कि फिल्म का दूसरा सबसे अच्छा कलेक्शन था। इससे पहले फिल्म ने पहले संडे को 5 करोड़ कमाए थे। वहीं अब 9वें दिन फिल्म ने 2.05 करोड़ कमाए हैं। इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन अब हो चुका है 25.05 करोड़ रुपए। फुकरे 3 ने वीकेंड पर किया शानदार कलेक्शन। कॉमेडी ड्रामा फिल्म फुकरे 3 को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। ये साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म फुकरे का तीसरा सीक्वल है, जो कि अपने पिछले 2 पार्ट्स की ही तरह बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए हुए है। फिल्म 28 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और तब से अब तक फिल्म करोड़ों में ही कमा रही है। फिल्म ने जहां 16वें दिन 5.10 करोड़ रुपए कमाए थे, तो वहीं अब 17वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ चड्ढा स्टारर फिल्म ने 17वें दिन 1.90 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 87.79 हो गया है। यानी अब फुकरे 3 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के काफी करीब है। खैर, ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। आप भी इन पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ न्यूज नेशन पर। धन्यवाद।